कक्षा 9वीं विषय गणित इकाई 4 दो चर वाले रैखिक समीकरण प्रश्नावली 4.2। बताइए कि निम्नलिखित हलों में कौन कौन समीकरण x ऋण 2 है बराबर 4 के हल नहीं है। 0 2 2 0 4 0 करनी 2 4 करनी 2 1 1। यहाँ जो दिया गया समीकरण है x ऋण 2 है बराबर इसे 4, इसको पक्षांतर कर लेंगे तो x ऋण 2 है ऋण 4 बराबर इसे 0। समीकरण 1, पहला 0 2, मतलब समीकरण 1 में x बराबर इसे 0 व y बराबर इसे क्या 2 रखने पर x की जगह पर 0 y की जगह पर 2 रखने पर ऋण चार बराबरी से 0, मतलब ऋण 8 बराबर 0, जो सत्य नहीं है, अर्थात 0 2 समीकरण का क्या हल नहीं है। दूसरा मान देखिए तो हमारे पास है दूसरा मान 2 0, तो हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में x बराबर से 2 व y बराबर से 0, इस मान को अब रखेंगे तो x की जगह पर कितना 2 और y की जगह पर कितना 0 रखेंगे, तो x यानी यहाँ पर रखेंगे हम 2 ऋण 2 गुणे 0 ऋण 4 बराबरी से 0, इसका हल करेंगे तो 2 ऋण 0 ऋण 4, अगर इसको देखें हम ऋण 2 बराबर 0, जो कैसा सत्य नहीं, अतः 2 0 काहे का समीकरण का हल नहीं। तीसरा मान है हमारे पास 4 0, मतलब समीकरण एक में x बराबरी से 4 व y बराबरी से 0, इसको क्या करेंगे हम रखते हैं, रखने पर देखें x की जगह पर 4 ऋण 2 गुणे 0 ऋण 4 बराबरी से 0, क्या माना है 4 ऋण 4 बराबरी से 0, तो क्या आ गया 0 बराबरी से 0, अतः क्योंकि बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर आ गया, अतः 4 0 का हल है। बिल्कुल ठीक ऐसे ही अन्य मानों को भी रख के आपको देखना है कि ये इसके हल है या नहीं। उम्मीद है ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, शेष कल, धन्यवाद।